ग्वालियर आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब बनाने वालों पर छापामार कार्रवाई की है। दरअसल ग्वालियर में आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के विक्रय और मृदय पान के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीण इलाके बरई, नया गांव, घाटी गांव में अवैध शराब बनाई जा रही है। सूचना पर मुखबिर टीम मौके पर पहुंची। अवैध शराब बना रहे लोग टीम को देखकर भाग निकले, लेकिन टीम को तलाशी के दौरान पता चला कि अवैध शराब का कारोबार लोगों ने शराब को जमीन में रख रखा है। पता चलने पर मौके पर एक जेसीबी मशीन को बुलाया गया, उसकी मदद से जमीन के अंदर से शराब से भरे ड्रमों को बाहर निकाला गया। फिलहाल आबकारी विभाग की टीम ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये नया गांव, पनिहार और बरई, इन जगहों पर कार्रवाई की गई और घाटी गांव में भी रूटीन कार्रवाई के तहत की गई, जो कंजरों के खिलाफ हम लोग करते रहते हैं, जो कच्ची मदिरा लाहन को नष्ट करते हैं। तो इसमें कल की गई, इसमें 4000 किलोग्राम गुड़ लाहन और 175 लीटर शराब और 25 पाव प्लेनिंग दर्ज किए, 5 प्रकरण दर्ज किए गए।